भारत और श्रीलंका महासंग्राम महायुद्ध की तैयारी हो चुकी है। भारत की तरफ से टीम जारी कर दी गई है, ओडीआई के लिए भी, टी20 के लिए भी। अब ये टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबके दिमाग में ये चल रहा था, हाँ भाई भारत का टी20 का कप्तान कौन होगा। वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या थे तो सभी के मन में ये चल रहा था कि हाँ हार्दिक पांड्या भारत के अगले टी20 के कप्तान होंगे, लेकिन इसका पूरा उल्टा हेर फेर हुआ है। गौतम गंभीर भारत के जब से हेड कोच बने हैं तब से कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। गौतम गंभीर और BCCI ने मिलकर सूर्य कुमार यादव को भारतीय क्रिकेट टी20 का नया कप्तान बनाया है। ये कप्तान अभी के श्रीलंका दौरे तक के लिए नहीं, ये सन 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तब तक के लिए सूर्य कुमार यादव भारत के टी20 के कप्तान बने रहेंगे। चलिए ओडीआई के लिए कप्तान तो लेकिन रोहित शर्मा ही बने रहेंगे और टेस्ट के लिए भी बने रहेंगे। ये कयास लगाया जा रहा था कि हाँ हो सकता है कि रोहित शर्मा ओडीआई ना खेलें तो नया कप्तान कौन होगा। केएल राहुल के ऊपर उम्मीदें जग रही थी, लेकिन रोहित शर्मा मैच खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ओडीआई नहीं खेलेंगे पर्सनल रीजन की वजह से, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन टी20 में हार्दिक पांड्या भी हैं और सूर्य कुमार यादव भी हैं, और भारत के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, तो इसके लिए कमेंट में जाकर आप कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए। 27 जुलाई 28 जुलाई और 30 जुलाई को 3 T20 होना, इसके लिए भारत की तरफ से प्लेयर कौन कौन से खेलेंगे, क्या टीम में चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, चलिए मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को भारत का नया कप्तान बनाया गया है टी20 के लिए। शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया है, यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, साथ में रिंकू सिंह खेलेंगे। रियान प्रयाग को यहाँ पर टी20 खिलाया गया है, रियान प्रयाग को हाँ मौका दिया जा रहा है, अच्छे प्लेयर है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी अच्छी बैटिंग करते थे। उसके बाद ऋषभ पंत तो भाई संजू सैमसन दोनों साथ में रहेंगे, किसी एक को ही मौका मिल सकता है। ये तो है कि BCCI ने संजू सैमसन को भी मौका दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से सीनियर खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, पहले डगआउट में बैठे रहते थे, अभी भी जाके डगआउट में ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, लेकिन संजू सैमसन को BCCI ने मौका दिया है, बहुत सही किया। हार्दिक पांड्या टी20 खेलेंगे, शिवम दुबे खेलेंगे, शिवम दुबे को बार बार BCCI मौका दे रही है। अक्षर पटेल, वासिकदर सुंदर, रवि बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट में सबसे बेस्ट स्पिनर रहे रवि बिश्नोई, इनको मौका दिया है BCCI ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्षदीप सिंह को मौका दिया गया, खलील अहमद को मौका दिया गया, मोहम्मद सिराज, ये प्लेयर हैं जो कि टी20 खेलेंगे। रियान प्रयाग को यहाँ पर खिलाया गया है, नया मौका दिया गया है, क्या इनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को खिलाया जा सकता था, मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बात करने वाला हूँ ODI के लिए कि हाँ ODI में कौन कौन सी टीमें हैं। ODI का मैच 2 अगस्त 4 अगस्त और 7 अगस्त को होने जा रहा है। ODI टीम के लिए भारत की तरफ से कप्तान रहेंगे भाई हिटमैन रोहित शर्मा, साथ में उप कप्तान रहेंगे शुभमन गिल। सूर्य कुमार यादव टी20 के लिए हमेशा खेलते हैं भाई, टी20 नंबर वन बैट्समैन हैं, लेकिन श्रीलंका में जो ODI मैच होने जा रहा है उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन को इसमें मौका नहीं दिया गया है। शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्षदीप सिंह, रियान प्राग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा को यहाँ पर नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। और टी20 और ODI में कुछ ही चेंजेस हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव टी20 खेलेंगे, इधर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो वही वनडे में कप्तान हो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे हैं। रियान प्रयाग की जगह पर श्रेयस अय्यर को लाया जाएगा ODI में, और रवि बिश्नोई की जगह पर यहाँ पर हर्षित राणा को लाया गया ODI में। ये टीम है फिलहाल, आप इसमें क्या चेंजेस हो सकता है क्या नहीं हो सकता आप मुझे कमेंट करके बताइए, कौन से प्लेयर को खेलना चाहिए कौन से प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम अभी हाल ही में जिम्बाब्वे खेलने के लिए गई थी, लेकिन अभिषेक शर्मा को मौका BCCI ने नहीं दिया है। अभिषेक शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है जो भारत के लिए उभरता हुआ चेहरा सितारा है। भारत के लिए अगर आज टी20 में सबसे बेस्ट ओपनर है तो यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा। क्या मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट ओपनिंग करने के लिए नहीं जाते थे, दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए जाते थे, पावर प्ले में 60-70 रन आसानी से बना देते थे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस समय सबसे बेस्ट ओपनर है तो यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को मौका नहीं दिया गया, ये सोचने वाली बात है। बाकी बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन भाई खेलेंगे तो 11 ही, टीम बनेगी तो 15 ही। गौतम गंभीर जब से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। देखो कुछ चीज़ें तो गौतम गंभीर के साथ सही हो रही, कुछ चीज़ें गौतम गंभीर के साथ नहीं सही हो रही। गौतम गंभीर ने बॉलिंग कोच के लिए प्रेफर किया था विनय कुमार को, BCCI ने रिजेक्ट कर दिया। BCCI ने ऑप्शन में रखा लक्ष्मणपति बालाजी, जहीर खान। मुझे लगता है कि जहीर खान बेस्ट ऑप्शन है भारतीय बॉलिंग कोच के लिए, आपके हिसाब से बेस्ट बॉलिंग कोच कौन हो सकता है। फील्डिंग कोच के लिए गौतम गंभीर ने नाम रखा था जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स वर्ल्ड में फील्डिंग के नंबर वन कोच हैं, वो अलग बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम में सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह जैसे फील्डर हैं, बहुत बेस्ट फील्डर हैं, लेकिन एक फील्डर होना और एक कोच होना दोनों में डिफरेंट होता है। हाँ BCCI ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जॉन्टी रोड्स नहीं, कोई इंडियन कोच होना चाहिए जो फील्डिंग कोच हो। देखना है कि अब भाई कौन कोच हो सकता है, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि हाँ भारत की तरफ से हाँ कौन सा फील्डिंग कोच हो सकता है। हार्दिक पांड्या कप्तान इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि वो अभी टी20 खेले हैं वर्ल्ड कप,
इसके पहले आईपीएल भी खेले थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब है, उनका जिस तरह फिजिकल फिटनेस है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बुमराह को कप्तान बनाना चाहिए और ऋषभ पंत को प्लेयर कप्तान बनाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने और बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हाँ T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव, ODI जैसा चल रहा टेस्ट वैसे भी चलना चाहिए। बाकी सूर्य कुमार यादव का भाई रोहित शर्मा ने भी सपोर्ट किया था, जसप्रीत बुमराह ने भी सपोर्ट किया था, बीसीसीआई सेलेक्ट चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी सपोर्ट किया था, और गौतम गंभीर के तो फेवरेट थे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है पंकज गांव वाला, आप उस पर भी जाकर प्यार दे सकते हैं।